रहा था, मेरा दिल कर गया मीठा खाने को और बारिश की आप स्पीड चेक करें। और यहाँ पे मैं बच्चों के करी नूडल्स फ्राई, ये हो जाए। फिर यहाँ पे मैं जस्ट आज एप्पल दे दी उनको, वो भी हाफ, क्योंकि खाते तो है नहीं। फिर मैंने कहा थोड़ा सा ही लंच दे दें ताकि ये खा ले। ये मेरा नाश्ता आ चुका है जिसमें नान और चने हैं, आज बस यही खाएंगे। और यहाँ पे एडिटिंग चल रही है, बस इसके बाद देखते हैं क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल फिट फाट ठीक ठाक और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल वजिया सुहेल। सुहेल जो है मेरा बाहर वेट करें, मैं जाने लगी हूँ बच्चों के स्कूल। और मैं अभी अभी फ्रेश हुई हूँ, जैसे ही मैं फ्रेश हुई हूँ और बच्चों के स्कूल का टाइम हो चुका है, बस चलते हैं बच्चों को स्कूल से लेके आते हैं। और स्कूल वालों ने बुलाया था, धूप पड़ी है, देखो मैं कैसी शाइन शाइन कर रही हूँ। चलो जी बस अब बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं। वहाँ क्यों बुलाया ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, और मुझे एक दो और काम है वो भी करते हुए आएंगे इंशाल्लाह ताला। और एक पूरा बच चुका है, बच्चों की छुट्टी 1 बजे होती है और आज धूप निकली हुई, आज बारिश वाला मौसम नहीं है। बहुत प्यारा जो वेदर होता था ना वो ज़रा हमारा जा चुका है और धूप वाला वेदर आ चुका है। चलो जी बस अब चलते हैं और जल्दी से होके वापस आते हैं। फिर जो कुछ होगा सारा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, मेरा व्लॉग पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। चलो जी चलते हैं। और अब मैं बैठ चुकी हूँ और सेकंड बात ये कि बच्चों के क्लिप मैं दिखाऊंगी। आज मैंने उनको जो माशाल्लाह से न्यू यूनिफॉर्म पहनाए हैं वो क्लिप मैं इसलिए स्टार्ट में ऐड नहीं करती, उसकी वजह से कमेंट्स ऑफ हो जाते हैं। और ये जो मेरी वीडियो है वो मतलब किड्स कम्युनिटी जो होती है ना, मतलब बच्चों की कैटेगरीज में, उसमें चली जाती है। इसी वजह से बच्चों के क्लिप्स में अभी स्टार्ट में नहीं डालती, कम से कम 3 मिनट के बाद डालने चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता वो मेरी वीडियो से उनको पता चल चुका होगा, अगर कोई वीडियो बनाता है और उनके कमेंट्स ऑफ हो जाते हैं बच्चों की वजह से तो वो लोग 3 मिनट के बाद डालें बच्चों की वीडियो। चलो जी बस अब चलते हैं और क्या कहते हैं आगे जो कुछ होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी इंशाल्लाह। आप तैयार हो गए सबने माशाल्लाह माशाल्लाह कहना और डैडी खेल मेरे आप सामने आओ इधर आके उसके वो कफ तो बंद किए नहीं बाजू। स्कूल दोनों आज इन्होंने बॉटल्स भी लिए, आंटी भी आज टाइम से आ गई है। चलो 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 शाबाश, चलो अलमीर रैन चलो, डोंट टच, चलो रैन नो, चलो राज इनको ये व्हाइट बोर्ड भी देने थे, वो भी मैंने मंगवा लिए थे, खुद ही लेके आई थी रात में। डिग्गी में सामान रखा, क्या कर रही हो रैन? कुछ भी नहीं, और मेरे बैग दो। ये रख रही थी। चलो तो सुहेल जो है ना रोज रोज यहाँ से छल्ली लेते हुए आते हैं जो लेके आते हैं, और ये जो है रेत में बनती है, देखे ना ये बड़ा सा छाबड़ा बनाया है और इसके अंदर ये छल्ली को बॉइल करते हैं, ये बॉइल हुई भी छल्ली है वो भी ऐसे है ना। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं, आ जाएं चलिए खाने जिसने भी खानी है। और ये सेल को अच्छी लगती है, अच्छा मज़ेदार होती है। वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा था। और दूसरी बात ये है कि ये आज कैमरे के सामने शाये हो रहे थे, इधर देखना जरा ये, आप मुझे बताओ शर्माने वाले लगते हैं आपको कहीं से? आज कह रहे ना बनाओ ना बनाओ, मैंने कहा मैं वैसे ही डाल दूंगी। सम टाइम बंदा मूड में नहीं होता, हमारा तो हर वक्त मूड होता है, फिर क्या है। मैं भी योगा नहीं हूं ना, कोई बात नहीं, बन जाओ, आपकी बेगम तो है ना। देखो जब मेरा चैनल चल जाएगा ना, अगर इनका चैनल अलग से आया तो किसी ने जाके इनकी वीडियो नहीं देखनी, इनका शौक नहीं है। शौक होता तो ये मेरे साथ टिकटॉक ना बनाते। ये देखें जी, अभी मैं आपको कह रही थी शदीद धूप है और अब देखें बारिश शुरू हो गई है। वाव, मौसम फिर से दोबारा से सुहाना हो चुका है। और ये देखें सब बच्चे स्कूल से जा रहे हैं अपने अपने घरों को, क्योंकि छुट्टी का टाइम है और मैं भी अपने बच्चे ही लेने आई हुई थी, और अब चल जाने लगे हैं एक काम से। ये देखें ये स्कूल, चलो हम जा रहे हैं बच्चों को आइसक्रीम खिलाने, ठीक है सही है। और ये भी कोई स्कूल है? नाम No? Okay. ये स्कूल नहीं है। फिर क्या है? ये माटी स्कूल है। अच्छा ये ओरान को देखो, बैठ जा पीछे आराम से। ओरान की हालत देखो, अलमीर की, ये स्कूल से आते हैं तो इस हालत में आते हैं। ये तो स्कूल लेने आओ और इनको आइसक्रीम ना चाहिए, ऐसा हो सकता है?
आइसक्रीम मिलने के बाद भी ऐसे मुँह पहन के गुस्से हुए। और ये सुहेल की तो फेवरेट आइसक्रीम है ये वाली, ये भी खा रहे हैं। और बारिश देखो, ऐसी बारिश में ऐसे मौसम में समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं, आइसक्रीम नहीं खाते। खिलाओगे समोसा? पक्की बात है? आपको पसंद आ रही है? चलो बैठ जाओ, बैठ के खा लो। आप नाराज ही रहो। ये देखें, इसमें बारिश आई हुई नजर नहीं आ रहा। मैं समोसा खाने के लिए आई हुई हूँ और गरम गरम जलेबी बन रही है। वो देखो, वो भाई बना रहा है। मैं भाई शर्मा खाने आया हूँ। आप शर्मा खाने आए? अच्छा, बड़ा ही कोई मजेदार वेदर हो चुका है। जलेबी भी दे दो। नहीं, पैक करनी है जलेबी। और ये आ गया मेरा गर्मा गर्म समोसा। मिलके खाते हैं? मिलके खाते हैं? नहीं नहीं, अपना अपना खाते हैं। मिलके खा लो सारे खाओ भाई, सारे खाओ। मैं तो आइसक्रीम रुक के पहले ये खाऊंगा। अच्छा, पहले ये खाओगे? इनको भी मंगा के दो सिम। और ये देखें जी, मैंने लिए जलेबियाँ आज गरम गरम। वो बना रहा था, मेरा दिल कर गया मीठा खाने को। और बारिश की आप स्पीड चेक करें, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार वाली बारिश हो रही है। ओह माय गॉड, ये यहाँ का ना मशहूर गोले वाला है, फहीम गोले वाला, ठीक है। और ये देखो, दिखाओ ज़रा इधर, ये सुहेल ने लिया है। और जिस किसी ने खाना ना यहाँ से खा सकते हैं। इसका वाकई ही बहुत मज़ेदार है। जब मैं 10th क्लास के पेपर देने जाती थी ना बोर्ड के, तो मैं और अम्मी यहाँ बेंच पे बैठ के खाते थे। इधर इनका बेंच लगा होता था। अगर मेरी अम्मी देख रही है तो उनको पता होगा, हम यहाँ पर बेंच लगा हुआ था, उस पर बैठ के खाते थे। वो सामने बेंच लगा हुआ है। और ये बहुत ही मज़ेदार होता था उस दौर में। मेरे बचपन की बात है, मेरी भाई स्कूल जाती थी जब मैं, मतलब वो गोला खिलाओ। और ये अब खा रहे हैं जी सुहेल, इसमें ये मिठाई भी डालता है ना। और ये है जी शक्करकंदी, मतलब के स्वीट पोटैटोस। और इसमें पता नहीं क्या कुछ डाल के दिया है इसके ऊपर। टमाटर नहीं है, ये शक्करकंदी है। आप लोगों की जबान में इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में बताएं आप सब लोग। और अब मैं आई हूँ एक क्रॉकरी वाली दुकान पे। बारिश की वजह से उन्होंने ढका हुआ है, और क्योंकि बारिश का कुछ ऐसा हाल है पानी का। ये देखें, जगह जगह पानी जमा हुआ हुआ है। मुझे हैंगर्स चाहिए थे, वाइपर चाहिए। और अब मैंने बिछाई है अपने बेड के ऊपर ये वाली बेडशीट। अब होने लगी है सफाई। पहले मैंने सोचा बेडशीट बदलवा लेते हैं। और ये मैंने रमज़ानों में आई थिंक ली थी, और आप सब बताएँ कैसी लग रही है। न्यू पड़ी थी, मैंने सोचा आज न्यू बेडशीट बिछा लेते हैं। और न्यू बेडशीट कैसी लग रही है आप सबने लाजमी बताना है। ये लोग स्कूल से हैं, इनको सबसे पहले नहलाया है, उसके बाद इनके मैंने अच्छे से नेल्स काटे हैं, उसके बाद इनको मैं जुएं वाली कंघी लाजमी मारती हूँ, क्योंकि ये स्कूल जाते हैं तो फिर जुएं वगैरह बच्चों को डल जाती होती हैं। वो लाजमी आप लोग भी मारा करें साथ के साथ। और कान वगैरह अच्छे से साफ़ किए हैं, मतलब बहुत अच्छे से इनको आज नहलाया धुलाया है। हुरैन, हुरैन ने अपनी बर्थडे वाली फ़्रॉक पहनी हुई है। ऐसे हुरैन, हुरैन को भी अच्छे से साफ़ सुथरा किया है जी बेटा। और ये मेरा खाना आ गया, आज हम लोगों ने बनाई है भुजिया। अब खाते हैं खाना, बच्चों को खिलाते हैं। और ये मेरे दोनों बच्चे, गंदे बच्चे हैं दोनों, गंदे हैं है ना। और है ना, आप गंदी हो। क्या आ गई इसके अंदर? रोटी आ गई है, दिखाओ। ये बहुत रैन रोटी दिखा रही है। ये किसकी रोटी है? आपकी है, खानी भी है। और अब मैं जाने लगी हूँ बच्चों के लिए ट्यूशन की बात करने। पता नहीं अजीब से रोशनी पड़ी है, मेरा मुंह देखो ऐसा बहू आ रहा है। चलो अब चलते हैं, इन लोगों की ट्यूशन की बात करके आते हैं। साथ ही पार्क पड़ोस में ये ट्यूशन, और अब इनको ट्यूशन डालना ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल का वर्क मिलता है, बड़ी क्लासों में हो गए हैं। और लिखना पढ़ना तो आना ही चाहिए निकम्मों को, मेरे पास बैठते नहीं है। ये तो मैं खुद इतना अच्छा ट्यूशन पढ़ाती हूँ, शादी से पहले मैंने इतने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है। और मैं पढ़ाती भी बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से हूँ, लेकिन अब मजबूरी है कि मेरे बच्चे मेरे पास पढ़ते ही नहीं हैं, तो मुझे ट्यूशन डालना ही पड़ेगा। और मदरसे की भी आज ही कोशिश करती हूँ बात करके आऊँ। पहले कारी साहब आते थे, लेकिन हुरैन जो है ना कारी साहब के पास नहीं पढ़ती, और मुझे अब दोनों को साथ ही पढ़ाना है। इसी वजह से मैंने सोचा है कि मदरसा है तो वहीं बात कराते हैं, इन दोनों को ट्यूशन भी डालते हैं और मदरसे में भी डालते हैं। कहीं रोशनी कैसी आ रही है, कहीं कैसी आ रही है। आ जाओ सारा, सारा आ जाए तो बस हम लोग जाने लगे। दोनों बच्चों को सुला दिया, ये हुरैन सो रही है और यहाँ पे अलमोनी सो रहा है।
हाँ जी, तो आज का दिन भी खैर खैरियत के साथ गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मुझे मतलब सुस्ती हो रही है, मेरा दिल ही नहीं किया गार्डन में जाके अपने व्लॉग का एंड करूँ। बच्चे सुलाए हैं और बस अब जो है मैंने सोचा अपने व्लॉग का एंड करना चाहिए। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात दोनों बच्चों के ट्यूशन और मदरसे की बात हो गई, जो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी, और गली के अंदर ही मिल गया, ईजी है मेरे लिए। मैं खुद भी जाके फटाफट छोड़ के आ सकती हूँ, लेके आ सकती हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि मुझे बहुत करीब मिल गए हैं। अब ये लोग बैठना शुरू कर दें। एक तो हैं भी मूडी बच्चे दोनों के दोनों। स्कूल बुलाया था, स्कूल गई थी, कुछ काम था मुझे भी, उनसे पूछना था कुछ। रैन तंग करती है अपने टीचर को बहुत ज़्यादा, तो आपको पता है जिद्दी इतनी हद से ज़्यादा। इसको समझाया है तो बच्ची, लेकिन फिर भी मेरा काम है समझाना। समझाती मैं इसको फिर भी बहुत रहती हूँ, लेकिन बच्ची है आहिस्ता आहिस्ता समझेगी। अभी सिर्फ और सिर्फ 4 साल की हुई है माशाल्लाह से, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे समझ जाते हैं। अभी अभी स्कूल जाना स्टार्ट हुए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी जो है आज का दिन जो था आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, हमने बड़ा इंजॉय किया, खाया पिया तो थोड़ा सा मैंने, लेकिन सब चीज़ें टेस्ट किए हैं, मज़ा आया। ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बारिश हो रही हो और बंदा खाता पीता जाए, घूमता घूमता जाए। तो जिस काम मैं गई थी वो काम मेरा नहीं हो सका इंशाल्लाह, उसके लिए मैं कल जाऊंगी, और कहाँ जाना है वो मैं कल बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे तो लाइक शेयर मस्त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।